मोदी और कैप्टन की मैच फिक्सिंग हुई और उसी के चलते आज पंजाब की हालत है। कैप्टन और मोदी साहब एक ही हैं। यहाँ तक कि कैप्टन साहब जब दिल्ली भी जाते हैं तो अमित शाह से मिलते हैं, नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, सोनिया गांधी से नहीं मिलते, राहुल गांधी से नहीं मिलते। कैप्टन साहब को तो पॉलिटिक्स में रीबर्थ देने वाले शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। कैप्टन अमरिंदर को वोट देना मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देना, बादलों को अकाली दल को वोट देना मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देना, कांग्रेस को कैप्टन अमरिंदर को चुनाव जिताने में नरेंद्र मोदी जी का और बीजेपी का 17 के चुनाव में सबसे बड़ा योगदान था। हम तो ये बात पिछले 5 साल से कह रहे हैं, अकाली दल के नरेश गुजराल साहब ने ये बात खुद बोली भी है, कबूली भी है। आम आदमी पार्टी को 17 का चुनाव जीतने से रोकने के लिए बीजेपी ने अपना सारा वोट कांग्रेस को ट्रांसफर किया कि 17 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए सारी पार्टियां एक हो गईं, अकाली दल, भाजपा, कांग्रेस। और आज इस बात का सबूत खुद अकाली दल के राज्यसभा एमपी नरेश गुजराल साहब ने दे दिया। उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यह कहा है कि आम आदमी पार्टी को 17 का चुनाव जीतने से रोकने के लिए बीजेपी ने अपना सारा वोट कांग्रेस को ट्रांसफर किया, अकाली दल को कहा कि अपना सारा वोट कांग्रेस को ट्रांसफर कर दो। कांग्रेस इस पोजीशन में है कि आम आदमी पार्टी को चुनौती दे सके। आम आदमी पार्टी किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में जीतनी नहीं चाहिए और कांग्रेस को कैप्टन अमरिंदर को चुनाव जिताने में नरेंद्र मोदी जी का और बीजेपी का 17 के चुनाव में सबसे बड़ा योगदान था। हम तो ये बात पिछले 5 साल से कह रहे हैं, लेकिन आज अकाली दल के राज्यसभा सांसद और कद्दावर नेता, बड़े नेता नरेश गुजराल साहब ने यह बात खुद बोली भी है, कबूली भी है। कैप्टन और मोदी साहब एक ही हैं। यहां तक कि कैप्टन साहब जब दिल्ली भी जाते हैं तो अमित शाह से मिलते हैं, नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, सोनिया गांधी से नहीं मिलते, राहुल गांधी से नहीं मिलते। मोदी और कैप्टन की मैच फिक्सिंग हुई और उसी के चलते आज पंजाब की हालत है। मैं एक चीज बस और कहना चाहूंगा कि आज पंजाब में सारी पार्टियों को, आम आदमी पार्टी को छोड़कर सारी पार्टियों को नरेंद्र मोदी जी अपने रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। बीजेपी को वोट देना मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देना, कैप्टन अमरिंदर को वोट देना मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देना, बादलों को अकाली दल को वोट देना मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देना, और बसपा को वोट देना मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देना। बसपा को सीबीआई, ईडी और इन सारी एजेंसियों से मोदी जी चलाते हैं। बादल परिवार के कितने नेड़े हैं, कितने क्लोज हैं, आज भी घरेलू संबंध हैं, ये आप सब जानते हैं। और कैप्टन साहब को तो पॉलिटिक्स में रीबर्थ देने वाले, पुनर्जीवित करने वाले शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। तो चारों पार्टियों को, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, अकाली दल हो, इन चारों पार्टियों को नरेंद्र मोदी जी रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं और आम आदमी पार्टी को हराने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अपना और अपने अलायंस पार्टनर का सारा वोट कांग्रेस को ट्रांसफर कराया कि 17 के चुनाव में झाड़ू वाली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ना जीत जाए। आम आदमी पार्टी जीतती तो आज इसमें से आधे नेता जेल में होते, पंजाब के स्कूल अच्छे होते, पंजाब के अस्पताल अच्छे होते,
पंजाब के हर पिंड में मोहल्ला क्लिनिक होता, बिजली मुफ्त होती, पानी मुफ्त होता, हम सबका भविष्य उज्जवल होता। लेकिन आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए ये सारी पार्टियां एक हो गईं। अभी तक तो हम आरोप लगाते थे, आज नरेश गुजराल साहब राज्यसभा सांसद अकाली दल के खुद ये बात कह रहे हैं कि हमारा वोट और भाजपा का वोट नरेंद्र मोदी जी ने कैप्टन को दिया कि कैप्टन जीते। तो कैप्टन साहब के बेस्ट फ्रेंड है नरेंद्र मोदी। मैच फिक्सिंग के चलते रल मिलके इन लोगों ने आम आदमी पार्टी को रोकने का काम किया है। मैं 17 के चुनाव में जो आम आदमी पार्टी के साथ इन लोगों ने किया उसकी दुहाई देते हुए पंजाब की जनता को कहता हूं कि अगर आप नरेंद्र मोदी का शासन नहीं चाहते पंजाब में, अगर आप चाहते हो कि नरेंद्र मोदी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधे तौर पे या पिछले दरवाजे से पंजाब में सरकार ना बनाए, पंजाब को ना चलाएं, तो सिर्फ एक ही विकल्प है आपके पास, एक ही ऑल्टरनेटिव है आपके पास। उस ऑल्टरनेटिव का नाम है आम आदमी पार्टी। हमारा परिवार एक है, हमारे परिवार में सब एक हैं। मुझे हल्का इंचार्ज बना दो तो मेरे साथ वाले को कोई बुरा नहीं लगता। हम सब एक होकर मिलकर इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और खाली हम नहीं, पंजाब की जनता हमारे साथ खड़ी है। वो हमें कह रही है कि इस बार चूक मत जाना, इस बार गलती मत करना, अगर पिछली बार कोई गलती हो भी गई इस बार मत करना, ध्यान से चलना, कदम फूक फूक के रखना। तो हम फूक फूक के कदम रख के चल रहे हैं, बहुत ध्यान से चल रहे हैं। और इस बार चाहे अकाली दल, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सारी पार्टियां एक होकर भी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेंगी ना, तो पंजाब की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मौका देगी।